कोरोना के बायस ईद के लिए सीवीओ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकार गश्त कर रहे हैं। साहिल समंदर पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। लियारी में SOPs की शदीद खिलाफ वर्जियां, दुकानदारों का दुकानें बंद करने से इनकार। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की ताकि लोग मुंतशिर हो जाएं। लियारी में लोगों का जम्मे गफीर, लियारी मैदान जंग बन गया, कोई कानून नाम की चीज नहीं। SHO थाना सुरजानी सब इंस्पेक्टर फारूक शहरियार मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। उन्होंने DSP हसन अली की कंडक्ट रिपोर्ट गलत तैयार कर दी थी। वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना के इजलास में टेक अवे की इजाज़त दे दी, आउटडोर डाइनिंग नहीं होगी। महमूदाबाद में अलनास बिरयानी, SOPs की शदीद खिलाफ वर्जी के साथ साथ आवाम को बिरयानी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। 80 रुपए वाली प्लेट 120 में दे रहे हैं, गरीब आवाम मजबूर होकर खरीद रही है। अलनास बिरयानी वालों का कहना है कि हमें पुलिस को भी भत्ता देना होता है, हम मजबूर हैं इसलिए महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। बैरिया टाउन की कब्जा गिरियत के खिलाफ आवाज़ अक़वामे मुत्तहिदा तक पहुँच गई। ज़राए ईद की आमद आमद है और मीठी ईद पर लोग गुलाब जामुन खाते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत से गुजरांवाला में गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। ईद उल फितर का चांद सऊदीया में नजर आ गया, लिहाजा कल सऊदीया में ईद होगी और पाकिस्तान में ईद उल फितर 14 मई को होगी। रुअत हलाल कमेटी पिशावर में ईद 13 मई का ऐलान कर दिया, वहाँ की मुकामी रुअत हलाल कमेटी की जानिब से ऐलान, लिहाजा पिशावर में कल ईद होगी। हमास के रॉकेट हमले में अस्कलान में वाकया, इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई। ये रॉकेट इसराइल की रीढ़ की हड्डी में जाकर लगा है। जराए